एक मैं और शाम तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह ट्रेंडिंग हॉट स्टेप टाटेस्ट वीडियो बनाना चाहते हो अपने फोन पे तो सबसे पहले आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप्स का नाम है एबी प्लेयर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक देखे रखा हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐप्स डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये जो ऐप्स है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में राइट साइड में देखिए एक बॉक्स की तरह आइकन होगा, उधर पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बीच में लिखा है लोड फ्रॉम फाइल, तो इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जीपिनिंग वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, फिर उधर से जाकर आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको टेम्पलेट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप आसानी से टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद टेम्पलेट जिस फोल्डर पर रहेगा उस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट का जो नाम रहेगा विजुअलाइजर AP92। टेम्पलेट सिलेक्ट होने के बाद देखिए लास्ट में जो बॉक्स है इधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड पर मेरा जो टेम्पलेट है कुछ इस तरह आ गया है। उसके बाद देखिए ऊपर में सेकंड नंबर पे एक पेंसिल का आइकन होगा, उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ऑडियो प्रोवाइडर का नीचे एक इमेज होगा, उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जो इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक करना है। उसके बाद पिक इमेज पर क्लिक करके इधर आपको इमेज सिलेक्ट करना है जिस इमेज पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं इधर एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसका लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए ब्लूआर इफेक्ट लिखा है और उसका नीचे लिखा है इमेज, तो आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जो जनरल लिखा है जनरल पे क्लिक करके इधर आपको विजिबल कर देना है। उसका नीचे और एक इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक करके इधर आपको विजिबल कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए इधर लिखा है टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जो अपीयरेंस लिखा है अपीयरेंस पे क्लिक करके इधर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इधर क्लिक करके आप अपना जो चैनल का नाम है वो दे दीजिए। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए इधर लिखा है कॉम्पोजिशन 1 और उसका ऊपर में लिखा है इमेज, तो आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जो इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक करना है। उसके बाद पिक इमेज पर क्लिक करके लाभ बिट्स टेक्स्ट का PNG लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। उसके बाद ऊपर में आना है। ऊपर में आने के बाद देखिए इधर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लूआर इफेक्ट, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जो जनरल लिखा है जनरल पर क्लिक करके इधर आपको विजिबल कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। तो इस वीडियो पे गाना देने के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर में जो 3 लाइन है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी पे जाने के बाद दोस्तों इधर आपको गाना सिलेक्ट करना है जिस गाने पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। गाना सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद विजुअलाइजर पे जाना है। विजुअलाइजर जाने के बाद देखिए मेरा जो वीडियो है वो बन के तैयार है। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए क्या करना है, राइट साइड में देखिए ऊपर में एक एरो का आइकन होगा, उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इधर लिखा है चॉइस प्रीसेट, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में लिखा है 1000 RPM, तो उधर आपको क्लिक करना है। अगर आपका फोन पे सबसे ऊपर में 720p आ रहा है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए इधर लिखा है एक्सपोर्ट, तो आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो सेव करना है। अगर आपको वीडियो सेव में यानी कि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर टेम्पररी लोडिंग के टाइम वार्निंग ओल्ड वर्सन करके कुछ एरर आ रहा है तो उसका बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद।